पाकिस्तान से लौटने के बाद क्या बोले शत्रुघ्न सिन्हा, पाक जाने पर घिरे शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या दी सफाई। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने एक शादी अटेंड करने पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान में वो न सिर्फ शादी समारोह में शामिल हुए बल्कि वहां के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। हालांकि मौजूदा हालात में उनका पाकिस्तान जाना किसी को रास नहीं आया, मगर अब जब वो पाकिस्तान से वतन लौट आए हैं तो उन्होंने भी पूरे मामले में अपनी ओर से सफाई दी है। जी हाँ, पाकिस्तान में गुपचुप तरीके से शादी अटेंड करने को लेकर देश में चौतरफा गिरे कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बयान जारी कर कहा कि एक निजी मुलाकात थी और इसमें राजनीति पर कोई चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह अपने दोस्तों, शुभचिंतकों, समर्थकों और मीडिया से कहना चाहेंगे कि एक व्यक्ति को विदेशी जमीन पर राजनीति अथवा नीतिगत मुद्दों पर तब तक चर्चा नहीं करनी चाहिए जब तक उसे इस काम के लिए सरकार से अधिकृत नहीं किया गया हो। वहीं पाकिस्तानी राष्ट्रपति राशिद अलवी से मुलाकात पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात लंबे समय तक चली, लेकिन यह विशुद्ध रूप से निजी मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तानी राष्ट्रपति के प्रति आदर जाहिर करने के लिए उनसे मिलने पहुंचे थे। कांग्रेस नेता ने कहा, हम लोगों ने कई चीज़ों पर चर्चा की, ये सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे थे, लेकिन इसमें राजनीति पर चर्चा नहीं हुई, ये किसी तरह से राजनीतिक और आधिकारिक नहीं था। इससे पहले पाक राष्ट्रपति अलवी ने कहा था कि मुलाकात के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने कश्मीर के मौजूदा हालात पर चिंता जताई थी। अलवी के दफ्तर ने एक बयान जारी कर कहा था कि राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा और अलवी के बीच कश्मीर समेत अन्य मसलों पर बातचीत हुई। शत्रु और अलवी ने दोनों इस बात पर सहमति जताई थी कि उपमहाद्वीप में शांति को बढ़ावा देने के लिए काम करने की जरूरत है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अलवी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद वहां लगाए गए प्रतिबंधों पर अलवी की चिंता का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में एक विवाह में शामिल होने के लिए निजी यात्रा पर वहां गए थे। इसी दौरान उन्होंने अलवी से अचानक निमंत्रण मिलने के बाद लाहौर स्थित गवर्नर हाउस में मुलाकात की थी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तानी उद्योगपति मियां असद एहसान की शादी में शामिल होने लाहौर पहुंचे थे। शादी समारोह में शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तानी अदाकारा रीमा खान के साथ नजर भी आए थे। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।